लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। ग्रामीण अंचलों में जंगली सूरों के आतंक से गन्ना किसान हो रहे परेशान। छिंदवाड़ा जिले के तहसील चांद के अंतर्गत आने वाले ग्राम आम गांव में गन्ने के खेतों में जंगली सूरों का आतंक। गन्ना किसान दीपक पटेल के गन्ने के खेत में जंगली सूरों ने 3 से 4 एकड़ का गन्ना पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह गन्ना लगभग 10 से 12 एकड़ में लगा है। किसान का कहना है यह समस्या प्रतिवर्ष की है, लेकिन इस वर्ष जंगली सूरों ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। किसानों का कहना है 1 एकड़ गन्ने के खेत में लागत 30 से 40 हजार की होती है और 1 एकड़ का गन्ना लगभग 1 लाख का होता है। 3 से 4 एकड़ गन्ना बर्बाद हो चुका है, जिसमें 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। अब किसान की शासन प्रशासन से मांग है कि उनका जो नुकसान हुआ, कम से कम जितना हो सके शासन प्रशासन द्वारा मदद राहत मूड लाकर किसानों को मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इस विषय में गन्ना किसान क्षेत्र के पास SDM साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। अब देखते हैं आगे शासन प्रशासन इनकी मांग पूरी करते हैं या नहीं। वहीं जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने गन्ना किसान विक्की पटेल से बात की, तो उनका कहना था कि गन्ना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया और पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका है। इन जंगली सूअरों की वजह से हम इनको मारने की शासन प्रशासन हमें परमिशन दे या तो मुआवजा देने की कृपा करे। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल सिटी संवाददाता ललित रघुवंशी के साथ कैमरामैन कासिम मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। मैं ललित रघुवंशी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल R9 भारत से सिटी रिपोर्टर कासिम मंसूरी कैमरामैन के साथ। आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ छिंदवाड़ा जिले की तहसील चांद के अंतर्गत आने वाले ग्राम आम गांव में, जहां पर मुझे जैसी सूचना लगी तो मैं यहाँ स्पॉट पे पहुंचा गन्ना किसान के खेत पर। और मेरे साथ में ये गन्ना का जो प्लाट है ये है दीपक पटेल ग्राम आम गांव का, जिनके भाई जो है विक्की पटेल मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनसे भी हमने जाना है। आप देख सकते हैं आगे जो वीडियो चलेगा खबर में, उसमें गन्ना पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिसमें इनका गन्ना जो है लगा तो है कम से कम 10 से 15 एकड़ में, लेकिन 4 से 5 एकड़ का गन्ना जो है जंगली सूअर से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, उसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया जंगली सूअरों ने। तो ये एक किसान की घटना नहीं है, ये इस क्षेत्र में जितने भी किसान आते हैं चांद क्षेत्र के अंतर्गत और चौरी क्षेत्र के अंतर्गत, सभी किसान जंगली सूअर के आतंक से परेशान हैं। ये गन्ने की फसल ही नहीं, मक्के की फसल भी बर्बाद कर रहे हैं। जब किसान मक्का बोता है तब भी सूअरों का आतंक रहता है, लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है गन्ना की बहुत कीमती फसल होती है, जिसे पक्की फसल किसान बताता था, लेकिन आज वही गन्ने की फसल की ये स्थिति है कि गन्ना जो है पूरी तरह उनने क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब किसान की ये मांग है कि शासन प्रशासन जितनी ज्यादा हमारी नुकसानी हुई उतना तो दे नहीं पाएगा, तो कम से कम लागत और हमें सहायता राशि प्रदान करने की कोशिश करे। मैं R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल से ललित रघुवंशी कैमरामैन कसिम मंसूरी के साथ। आपका नाम? विक्की पटेल। ग्राम? आमगांव। आमगांव। जैसी मुझे सूचना लगी कि यहाँ जंगली सूअर का बहुत ज्यादा आतंक था, इसमें आपकी गन्ने की फसल बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, लगभग कितने एकड़ आपका सूअर ने बर्बाद की? मेरा कम से कम 5 से 6 एकड़ का सूअर ने जो है हाँ। गन्ना नष्ट कर दी है हाँ। मैंने इतनी मेहनत किया था गन्ने में, आप देख सकते हैं हाँ। मेरा गन्ना आज 8 से 9 पोर का गन्ना यहाँ पे हो चुका है हाँ। यहाँ पे सूअर का इतना ज्यादा आतंक है हाँ। और इतना ज्यादा आतंक है कि पूरे गन्ने को इतना बर्बाद कर चुकी है। मेरा कम से कम 1 एकड़ का गन्ना 1 लाख रुपए का होता है जी, कम से कम गन्ने का जो होता है 1 लाख रुपए का गन्ना होता है 1 एकड़। लगभग कितने एकड़ बर्बाद हुई? मेरी कम से कम 4 से 5 एकड़ का गन्ना पूरा नष्ट हो चुका है। नष्ट हो चुका है मेरा 12-13 एकड़ में यहाँ पे गन्ना है। लागत कितनी आती है लगभग 1 एकड़ में गन्ने में? वही 30 से 40 हजार रुपए। 30 से 40 हजार रुपए की आपकी लागत है, और फिर ये गन्ने को कटाना ढुलाई वगैरह ये सब एक्स्ट्रा लागत अगर उसमें जोड़े तो पूरा मिला जी। तो क्या चाह रहे हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि कुछ ना कुछ मुझे आमदनी मिले जी, ज्यादा से ज्यादा जी। ये जंगली सूअरों का आतंक इस वर्ष ही है या फिर प्रतिवर्ष होता है? प्रतिवर्ष होता है, पूरे सारे किसान इससे परेशान है, क्षेत्र के सभी किसान, जंगली किसान परेशान है। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसका मुआवजा निकालें, यहाँ पे आके परीक्षण करें और मुआवजा लेने की कोशिश करें। किसान बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया है, परेशान हो गया है जी। धन्यवाद।